चुनाव समिति की बैठक है, प्रत्याशी तय नहीं हो पा रहे हैं अभी तक। अब बीजेपी भी हमलावर कह रही है कि प्रत्याशी मिल नहीं रहे हैं कांग्रेस को, और टाइम लंबा ले रही है कांग्रेस। क्या वजह है, क्यों प्रत्याशियों के चयन में अभी तक देरी हो रही है, और क्या लग रहा है कब तक प्रत्याशी तय हो जाएंगे? मंथन चल रहा है, विचार विमर्श हो रहा है, और आज केंद्रीय चुनाव समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होने जा रही है, और आज उसमें जो है उम्मीद है कि उम्मीदवार जो है उनका चयन कर लिया जाएगा और जल्दी ही घोषणा हो जाएगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि उम्मीदवार नहीं है, तो उम्मीदवार तो उनके पास नहीं है। उम्मीदवार यदि उनके पास होते तो जो ये बर्खास्त जो विधायक जो कांग्रेस पार्टी से गए हैं तो उनको ये उम्मीदवार ना बनाते। आज उम्मीदवार उनके पास नहीं है, कांग्रेस पार्टी के पास उम्मीदवार हैं, बहुत से योग्य लोगों ने अप्लाई किया है और उन पर मंथन चल रहा है, उन नामों पर मंथन चल रहा है, और आने वाले समय में जल्द ही उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी। बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और जो चुने हुए नेता विधायक हैं उन पर जो है वो टिप्पणियां कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं काले नाग, कभी काले सांप, कभी बिक रहे हैं, इस तरह की जो है आरोप लगा रही है बीजेपी की, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं मुख्यमंत्री जब से राज्यसभा का घटनाक्रम हुआ है। इस तरह की भाषा मैं समझता हूं कि प्रयोग में नहीं लानी चाहिए। हम सभ्य समाज में जी रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की राजनीति का एक इतिहास रहा है, और आज जो राजनीति का स्तर जिस तरह से आज इन लोगों ने गिराया है जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि मानसिकता की बात कर रहे हैं, मानसिक संतुलन की बात कर रहे हैं, ये अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि ये किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और इनके क्या कृत्य रहे हैं। अभी जो घटनाक्रम हुआ मैं समझता हूँ कि ऐसा हिमाचल की संस्कृति में स्वीकार्य नहीं है, और तैयार रहिए, अभी आप छह उपचुनाव में आपको उतरना है, लोकसभा के चुनाव में लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, किस तरह से आपको रिस्पांस मिल रहा है ये सब दिख रहा है, जनता भी देख रही है, हम लोग भी देख रहे हैं, आने वाले समय में जब परिणाम होंगे तो आपको आईना प्रदेश की जनता दिखाएगी और उसमें आपको आपकी बात का भी जवाब मिल जाएगा। मानसिक संतुलन ठीक करने की किसको ज़रूरत है, प्रदेश की जनता इस चुनाव के माध्यम से परिणाम के दिन जो है आपको दिखाएगी। मंडी से भाजपा की प्रत्याशी कंगना रनौत की काफी तीखी टिप्पणियां वो भी कर रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? शायद ये इसलिए भी हो रहा है शायद क्योंकि पहली बार वो बिना स्क्रिप्ट के बिना पढ़े डायलॉग बोल रही हैं, और रियल लाइफ से रियल लाइफ में आने का अंतर जो है अब उनको समझ आ रहा है, और ये जो परिवर्तन है मैं समझता हूँ कि उनको जल्दी ही इस बात को समझ लेना चाहिए कि किस तरह की बात आपको रखनी है। आप राजनीति में आई हैं और राजनीति में मुद्दों का विरोध होता है, व्यक्ति का विरोध नहीं होता है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होती है, और आप मुद्दों पर आइए, अपनी बात रखिए, आप किस लिए राजनीति में आ रही हैं, क्या आपका विजन है, प्रदेश की विकास के लिए आपका क्या योगदान रहेगा, किस तरह की योजनाएं आप आने वाले समय में लेकर आ रही हैं, इन बातों को आप बताइए। ये आप व्यक्तिगत टिप्पणी जो कर रही हैं ये जो है मैं समझता हूं कि राजनीतिक परंपरा नहीं है, इस परंपरा को आप मत बढ़ाएं, यही मैं कहना चाहूंगा। कितने आश्वस्त हैं सर जीत को लेकर, 6+4 10 सीट्स हैं? 100% 100% हम और उसका आधार है, मैं ये कहना चाहूंगा कि 15 महीने के कार्यकाल में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने जो अपना एक विजन शेयर किया है प्रदेश की जनता से, बावजूद इसके कि जो हमें 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज मिला विरासत में, बावजूद इसके कि हमें ऐतिहासिक आपदा से जूझना पड़ा जिससे 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन जिस तरह से नेतृत्व कुशलता से और कुशल प्रबंधन से ना सिर्फ आपदा राहत कार्य को अंजाम दिया, मॉनिटर किया, नेतृत्व किया माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, बल्कि एक जो आपदा राहत राशि जो 4,500 करोड़ रुपए जो दी है प्रभावित परिवारों को, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद जो 10 गारंटी योजनाओं में से 5 गारंटी योजनाएं जो है पूरी की जा चुकी हैं इन 15 महीनों में, जबकि
ये जो गारंटी योजनाएं थी, 5 साल के लिए हमें जनादेश मिला है, 5 साल में हमें गारंटी योजनाएं पूरी करनी है, लेकिन आर्थिक तंगी से जूझने वाले प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी के कुशल नेतृत्व से आज 10 में से 5 जो गारंटी योजनाओं को पूरा करके हमने जनता का विश्वास जीता है और लोगों को ये साबित कर दिया है कि जो हमने वादा किया हमने निभाया और आने वाले समय में जो हम वादा करेंगे उसको भी हम निभाएंगे और प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे। सर, एकजुट की बात कह रहे हैं तो क्या सरकार संगठन एकजुट है? जो नाराज नेता चल रहे थे वो बात है, क्या सब मिलकर जो है चुनाव के मैदान में उतरेंगे? कांग्रेस पार्टी एकजुट है और हम एकजुट होकर सामूहिक प्रयासों से इस लोकसभा चुनाव और 6 विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से हरेक कार्यकर्ता अपना कोई हमारा कोई मनमुटाव नहीं है, एकजुट होकर और हम सामूहिक रूप से जो है जीत का प्रयास करेंगे, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। क्या माना जाए सर, आज प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी? हाँ, उम्मीद है कि आज अधिकतर प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी और जल्दी ही जो है हम चुनाव में उम्मीदवारों के साथ उतरेंगे।